अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता है कि यहाँ के नेताओं को यहाँ के बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पहला मुद्दा तो है वो है सुशांत। यहाँ पर पिछले 30 वर्षों में पलायन पलायन और सिर्फ पलायन हुआ है। मेरे हिसाब से अगर सुशांत ने आत्मदाह किया है तो बिहार के लिए शर्म की बात है। बीजेपी के लोग जो है सुशांत को मुद्दा बनाना चाहते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। सियासी सरगर्मी बहुत तेज है। ग्राउंड जीरो से मैं बिहार के चप्पे चप्पे से हर खबर आप तक पहुंचा रहा हूं और इस वक्त सिवान में मौजूद हूं। सिवान की ये मुख्य सड़क है, पास में गोल चक्कर है। राजनीतिक तौर पर कई मुद्दे यहां पर हैं। पिछले दिनों टीवी में आपने एक बड़ी चर्चा सुनी है सुशांत मुद्दे की। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री को लेकर चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप विपक्ष ने लगाया है कुछ पार्टियों पर, बीजेपी पर खास तौर पर। तो बिहार में क्या ये मुद्दा है, जरा इसे समझते हैं लोग क्या सोचते हैं। देखिए ये चाय समोसे की एक दुकान है बिल्कुल यहाँ पास में। शाम के वक्त बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं से जरा बात करते हैं और समझते हैं कि इस बार चुनाव में इनके लिए क्या मुद्दा है और क्या महत्वपूर्ण है। आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, सुशासन या सुशांत आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए तो दोनों मुद्दा हो सकता है और सबसे पहला मुद्दा तो है वो है सुशांत। सुशांत के साथ न्याय तब होगा जब बिहार में फिल्म सिटी बने और यहाँ के कलाकारों को मुंबई न जाना पड़े, यहाँ के कलाकार यहीं पे अपना जो भी करना है यही करें और यहीं से फिल्में रिलीज हो, यहीं पे सब कुछ हो। सुशांत या सुशासन? मेरे हिसाब से सुशासन, क्योंकि सुशांत मैं कहता हूँ कि अच्छे एक्टर थे, बिहार के उभरते स्टार थे, मगर सुशासन जब तक बिहार में क्राइम रहेगा, यहाँ पे क्राइम का ग्राफ ऊंचा रहेगा तो तब तक बिहार डेवलप नहीं करेगा। हम जाहिर सी बात है सुशांत सिंह को हम सपोर्ट करते हैं, मगर यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कि फिल्म इंडस्ट्री बने, बहुत अच्छा बात बोले, फिल्म इंडस्ट्री बने मैं उनके साथ साथ डेवलपमेंट भी हो और सुशासन भी हो। सुशासन या सुशांत? देखिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ हमारी सहानुभूति है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। केंद्र उसके साथ सीबीआई लगी हुई है, जांच चल रहा है, लेकिन हमें बिहार को सुशासन की आवश्यकता है। यहाँ पर पिछले 30 वर्षों में पलायन पलायन और सिर्फ पलायन हुआ है। पिछले 30 वर्षों में तो कोई काम हुआ ही नहीं। 15 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार ने भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, यहाँ तक कि रोजगार के लिए भी पलायन का ही रास्ता दिखाया है, बिहार से पलायन ही। आपके लिए क्या मुद्दा है? समोसा चटनी खा रहे हैं आप? सुशासन चाहिए आपको या सुशांत मामला आपके लिए महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से जो है सुशांत मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि अभी चुनाव है। ऐसे कौन बना रहा है? ये पॉलिटिकल लोग बना रहे हैं, बीजेपी के लोग जो है सुशांत को मुद्दा बनाना चाहते हैं। उसके पीछे की बात मैं बताना चाहता हूँ क्यों बनाना चाहते हैं। वो मुद्दा इस वजह से बनाना चाहते हैं क्योंकि ये सरकार जो हर मामले पे फेलियर है। अभी हमने देखा कि जब ये लॉकडाउन हुआ कैसे मजदूर जो आ रहे थे, सैकड़ों हजारों जो है सुशांत मारे गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले को ज्यादा उछाला जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब यही है। सुशांत के मुताबिक सुशांत या सुशासन क्या महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से अगर सुशांत ने आत्मदाह किया है तो बिहार के लिए शर्म की बात है। अगर उसकी हत्या हुई है तो उस हत्यारे को जेल में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो, या फिर सुशासन? देखिए जब तक कोई चीज खुल के नहीं आता है तो कोई मायने नहीं रखता है। खुल के जब तक आ जाएगा तो ही मायने रखता है कि क्या है, और सुशासन तो होना ही चाहिए। भैया समोसा दे रहे हो आप, इधर आओ एक मिनट के लिए। टीवी देखते हो क्या, न्यूज चैनल्स वगैरह? सुशांत सिंह वाला मामला देख रहे हो? नहीं देखते हो, अच्छा। आपके लिए एक मिनट, मैं जरा अंदर चलता हूँ। आइए सुजीत जरा अंदर चलते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं उनसे भी बातचीत करें। आप लोगों के लिए चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए, सुशांत या सुशासन? सुशांत के साथ जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ, न्याय होना चाहिए। उसके साथ साथ बिहार में सुशासन भी जरूरी है। ये सुशांत के जितना बड़ा मुद्दा बन गया है, देश नहीं विदेश तक ही जब मुद्दा बन गया, इतना बड़ा मुद्दा उभरने के बाद अगर इसका न्याय नहीं होता है तो एक अलग इस पे 25 लोगों पर कसर रह जाएगा। ये जा रहा है कि बिहार के लोगों के लिए दरअसल ये भावनात्मक मुद्दा है। सुशांत यही के थे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बहुत तरह की राजनीति भी हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा वाकई चुनाव में होना चाहिए या फिर सुशासन को आप ज्यादा तरजीह देते हैं? बिहार के लिए बहुत बड़ा ये मुद्दा सुशांत केस का होना चाहिए। अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता है कि यहाँ के नेताओं को, यहाँ के बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि बिहार के लाल को मारा गया है जिस राज्य में, और वहाँ की उसको न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ के नेताओं को फिर रहने से क्या फायदा? ठीक है, सुशांत या सुशासन? सुशांत को न्याय के साथ सुशासन चाहिए, न्याय चाहिए, विकास चाहिए।
सुशांत के लिए और न्याय चाहिए सुशांत के लिए और विकास आपके लिए, ये कहना चाह रहे हैं जी? सारे जनता के लिए, सबके लिए चाहिए विकास। क्या करते हैं आप? सर पढ़ाई करते हैं सुशांत मंडी भैया के साथ। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं, बाहर मुझे दिख रहे हैं, एक मिनट। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, सुशांत या सुशासन? सुशासन होना चाहिए, सबसे बड़ी सुशासन चीज जरूरी है। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि बिहार में जितने भी बाहुबली आदमी हैं, उनका जो भी अवैध ढंग से धन कब्जा किए हुए हैं लोग, उस धन पर भी प्रहार सरकार का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अवैध ढंग से कब्जा किए हुए हैं, बहुत लोग का लूटे हुए हैं, बहुत ये किए हैं। सही है, वो सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में मेरा जो सवाल है बड़ा स्पेसिफिक है आपसे, आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत बड़ा मुद्दा है चुनाव में या सुशासन, किसके आधार पर वोट करेंगे आप? सुशासन के आधार पर, बिल्कुल बिल्कुल सुशासन, बिल्कुल सुशासन। ये आपने कुछ लोगों की राय देखी सिवान में, मैं वैसे ही अचानक से एक समोसे की दुकान पर आ गया और यहाँ मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, सुशांत का मुद्दा या सुशासन, आपने इन लोगों की राय सुनी है। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए, कैमरामैन सुजीत के साथ मैं अखिलेश आनंद, सिवान बिहार।